हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं विलेज स्टाइल ईल फिश करी, साथ में बनाएंगे ठोकुआ रोटी। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। हमने पास के नदी से ईल फिश निकाला है फ्रेंड्स। तकरीबन 1 से 1.5 किलो ईल फिश है ये। इसे हम अच्छे से साफ करेंगे। इसे पत्ते पर से हम पलट लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम नमक। नमक डालकर रगड़ने से ये अच्छी तरीके से साफ हो जाता है फ्रेंड्स। इसे साफ करना बहुत ही आसान है। नमक डालकर इस तरीके से रगड़ने से साथ में लारी वगैरह छोड़ता है ये, वो इसका गंदगी होता है वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है। फिश हमने रगड़कर अच्छे से साफ कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसे 2 से 4 पानी से हम धो लेंगे। हमने फिश को अच्छी तरीके से साफ कर लिया है फ्रेंड्स। इसे एक थाली में हम उठा लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। एक कढ़ाही में डालेंगे हम सरसों तेल, थोड़ा सा मेथी दाना, मेथी को थोड़ा हम गर्म होने देंगे फ्रेंड्स। ये बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, चटक गया है। अब इसमें फिश डालकर हम फ्राई करेंगे। ये रियर फिश है फ्रेंड्स, इसे ईल फिश बोला जाता है। ये बहुत कम मात्रा में आप पाया जाता है। एक साइड से फ्राई हो गया है फ्रेंड्स। इसे पलटकर सभी साइडों से हम फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है फ्रेंड्स। इसे एक थाली में हम निकाल लेंगे। इसी तरह बचे हुए फिश को भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। हमने सभी फिश को फ्राई कर लिया है फ्रेंड्स। बचे हुए तेल में डालेंगे हम थोड़ा सा मेथी दाना। मेथी को हम चटकने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ सरसों।
सरसों के गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ लहसुन। दोनों को मिक्स करते हुए हम फ्राई करेंगे। मसाला जितनी अच्छे से फ्राई होता है उतना टेस्ट बढ़ जाता है फ्रेंड्स, इसलिए मसाला को धीमा आंच पर अच्छे टाइम तक भूनते रहें। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच धनिया पाउडर। दो चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें हम। सभी को मिक्स करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाला बिल्कुल अच्छे से भुंजा गया है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम मसाला को पकाएंगे। मसाला बिल्कुल अच्छे से पक रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं साइड से तेल छोड़ रहा है ये। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। इसे थोड़ा चला लेते हैं हम और एक उबाल आने तक हम वेट करेंगे। ग्रेवी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। फ्राई किए हुए सभी पीसेस को हम इसमें डाल देंगे। इसे थोड़ा हम चला लेते हैं ताकि फिश अच्छी तरीके से ग्रेवी में घुल जाए। इसी तरीके से हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे फ्रेंड्स। अब हम दूसरे साइड में रोटी बना लेते हैं। इसे हम लोग ठोकुआ रोटी बोलते हैं, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। हमने पहले आग जला लिया है, इसका धुआं खत्म हो गया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से हाथों से रोटी बनाया जाता है, इसे ठोकुआ रोटी बोलते हैं हम लोग। आग पे हम जाली को रख लेंगे। इस तरीके से रोटी को दोनों साइड से ठोक कर लंबा कर लेते हैं। चारों साइड से गोल हो जाने के बाद इस पे आसानी से रख देते हैं फ्रेंड्स। इसे बेलने या ताई वगैरह किसी प्रकार का किसी बर्तन का जरूरत नहीं है। इसे दोनों साइड से पलट पलट कर हम 2-4 बार करके पकाएंगे ताकि रोटी हमारा जले नहीं और अच्छे से पक जाए। दो रोटी पककर रेडी हो गया है फ्रेंड्स, बाकी रोटी पक रहा है, इधर फिश भी तैयार हो गया है। अब इसे हम उतार लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है। ये रेसिपी आपको पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं फ्रेंड्स। हम तो इसे रोटी के साथ खाएंगे, जो अभी हमने बनाया है ठोकुआ रोटी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। खाते पीते रहिए, मस्ती में रहिए।